Now we discuss about the microscope as a very important topic. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करके है, रे ऑप्टिक्स का पार्ट है और 100% कुछ ना कुछ इससे आता ही है बोर्ड में. इस साल भी क्वेश्चन आए हुए हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, तो बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है. काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक्स मिलेंगे आपको. सबसे पहले लेके चल रहे हैं हम लोग माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी टाइनी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. छोटी छोटी चीजें देखने के लिए यूज होता है. एंड माइक्रोस्कोप आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो फर्स्ट इज सिंपल माइक्रोस्कोप. एंड सेकेंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो वी डिस्कस वन बाई वन. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप को. और सिंपल माइक्रोस्कोप सबने देखा हुआ होता है. इट कंसिस्ट ओनली वन मैग्नीफाइंग लेंस, ओनली वन मैग्नीफाइंग लेंस. यानी हैंडल के साथ यूज़ करते हैं, डिटेक्टिव यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं चीज़ें देखने के लिए. दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप. एंड सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट वन मैग्नीफाइंग मीन्स कॉन्वेक्स लेंस. वन मैग्नीफाइंग लेंस मीन्स कॉन्वेक्स लेंस. उसका प्रिंसिपल क्या है? वी एडजस्ट द लेंस सो दैट ऑब्जेक्ट लाइंग इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. और आपको पता है इफ ऑब्जेक्ट लाइंग बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इमेज फॉर्म सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इरेक्ट वर्चुअल एंड लार्ज. ये इसका प्रिंसिपल होगा. तो हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप लेके चलते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक है. रे डायग्राम देखें इसका. द ऑप्टिकल सेंटर, ए बी इज द ऑब्जेक्ट लाइंग बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. ओके, और रे फॉर्म सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इरेक्ट वर्चुअल एनलार्ज्ड एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मीन्स 25 सेंटीमीटर. सो इज द रे डायग्राम. प्रिंसिपल तो समझ ही गए आप. ऑब्जेक्ट लाइंग बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर सो दैट द इमेज फॉर्म सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इरेक्ट वर्चुअल एनलार्ज. नाउ यहां हमें कैलकुलेट करना है एंगुलर मैग्निफिकेशन. एंगुलर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है. एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. और यहां है एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसको मैग्नीफाइंग पावर भी बोला करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर. तो एंगुलर मैग्निफिकेशन में भी डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म बाय इमेज एट आई टू द ऑब्जेक्ट एट आई. आई पर इमेज कितना एंगल बनाएगा डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट आई पर कितना एंगल बनाएगा, दैट इज नोन एज एंगुलर मैग्निफिकेशन. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नीफाइंग पावर. सो इट इज बीटा अपॉन एल्फा. सपोज बीटा इज द एंगल फॉर्म बाय इमेज एट आई एंड एल्फा इज द एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट आई. और इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 10 beta upon 10 alpha. ओके, अब यहां पर होता क्या है,
जहां फाइनल इमेज बनती है ऑब्जेक्ट वहीं शिफ्ट कर जाता है। आपने माइक्रोस्कोप में देखा है ऑब्जेक्ट इटसेल्फ मैग्नीफाइड। अगर आप कोई चीज छोटी चीज देख रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि वो ओरिजिनल छोटी चीज अलग दिखे और उसकी मैग्नीफाइड इमेज अलग दिखे, ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट इटसेल्फ मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ मैग्नीफाइड। तो इसका मतलब यह कि ऑब्जेक्ट अब यहां आ जाएगा। नाउ ए बी इज द ऑब्जेक्ट और इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट प्रॉब्लम। क्या कहते हैं इसको? लाइन ऑफ साइट प्रॉब्लम। एक ही साइड अगर बन रहे तो ऑब्जेक्ट यहां ना हो गया, यहां बन जाएगा और हम लोग यहां से देख रहे हैं। तो ये जो एंगल होगा दैट इज अल्फा और ये एंगल बनेगा इट इज बीटा। क्लियर? तो एंगल समझ गया बीटा और अल्फा। और अब इनकी वैल्यूज निकालो। तो टेन बीटा के लिए हम ट्रायंगल ए बी लेके चल सकते हैं, ए बी सी। यहां से टेन बीटा अगर निकालते हैं तो क्या मिलेगा? ए बी अपॉन बी सी। और अब ट्रायंगल लेके चल रहे हैं ए बी डैश सी, दिस वन। इसमें टेन अल्फा निकालेंगे हम लोग, क्या मिलेगा? ए बी डैश अपॉन बी डैश सी। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट में ये वैल्यूज लगा दो तो एम मिलेगा। अब टेन बीटा और टेन अल्फा की वैल्यूज लगा दो। टेन बीटा ए बी अपॉन बी सी, टेन अल्फा ए बी डैश अपॉन बी डैश सी। यहां से आपको एम मिलेगा। अब आप देखें जरा ए बी और ए बी डैश दोनों आपस में बराबर है तो मिलेगा बी डैश सी अपॉन बी सी। और बी डैश सी हमें पता है कैपिटल डी है। अब हमें वन अपॉन बी सी की वैल्यू निकालनी है और इसके लिए हम लोग यहां यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला। वन बाई एफ इक्वल्स टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। तो वन बाई एफ वी कितना है? माइनस डी माइनस बी सी। तो यहां से वन अपॉन बी सी जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग क्या मिलेगा? वन बाई एफ प्लस वन बाई डी। और वन अपॉन बी सी की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में लगा दो, फोर्थ इक्वेशन में लगा दो। एम इक्वल्स टू डी डी प्लस एफ एफ डी। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? वन प्लस डी ओवर एफ, यानी कि आपको मैग्नीफाइंग पावर मिल गई वन प्लस डी ओवर एफ। और ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर आ गया, यानी ये कुल मिला के एक्सप्रेशन आ गया एंगुलर मैग्नीफिकेशन का वन प्लस डी ओवर एफ। और अगर ये इमेज डी पे ना बन रही हो तो एट इन्फिनिटी बन रही होती ये फॉर्मूला बन जाएगा डी ओवर एफ। एम इक्वल्स टू डी ओवर एफ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो कंक्लूजन क्या मिला? इन सिंपल माइक्रोस्कोप एंगुलर मैग्नीफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। और हम लोग एक लिमिट तक ही फोकल लेंथ को कम कर सकते हैं, एक लिमिट तक ही उसको कम कर सकते हैं। उससे ज्यादा कम करेंगे तो लेंस थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे फोकल लेंथ आप कम करेंगे लेंस थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब थिक होना स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत सारे डिफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसीलिए इसको एक लिमिट तक ही यूज कर पाते हैं। अगर हमें इससे छोटी चीजें भी देखनी है
देन वी यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोप. दैट द नीड ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये जरूरत है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की. जब सिंपल माइक्रोस्कोप छोटी छोटी चीजें ना देख पाए, वहां पर यूज करते हैं हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप. क्लियर? तो ये था सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में. और अब लेके चल रहे हैं हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में जनरली कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही पूछा जाता है. अगर माइक्रोस्कोप की बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के चांसेस सबसे ज्यादा हुआ करते हैं. ये कराना इसलिए पड़ता है क्योंकि इसका यूज होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप. क्लियर? तो देखें कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इट कंसिस्ट टू मैग्नीफाइंग लेंसेस, मतलब दोनों कॉन्वेक्स लेंस होंगे. वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस विच इज नियरर टू ऑब्जेक्ट, और दूसरा होगा आई लेंस, आई पीस भी बोलते हैं उसको, विच इज नियरर टू आई. दोनों के अपर्चर ऑलमोस्ट सेम होंगे, अगर थोड़ा बहुत बड़ा हुआ तो आईपीस का, और फोकल लेंथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. फोकल लेंथ में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए माइक्रोस्कोप में. टेलीस्कोप में बहुत अंतर होता है, लेकिन माइक्रोस्कोप में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है. तो जरा रे डायग्राम देखो. इसके लिए इसका प्रिंसिपल जानो. वी एडजस्ट द ऑब्जेक्टिव लेंस सो दैट द ऑब्जेक्ट लाइंग इन बिटवीन इट्स एफ एन टू एफ. And if the object lying between F and 2F image formed beyond 2F, real, inverted, and large, and the image formed by the objective lens behave as a object for eyepiece, and we adjust the eyepiece so that it lying in between its focus and optical center. So image form same side of the object, erect, virtual and large with respect to the object. अभी जो हमने बताया वो क्लियर हो पाएगा आपको रे डायग्राम से. तो इसका रे डायग्राम देखो. ठीक, रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. It is F and it is 2F. It is CO, optical center of objective lens. It has beta is the image form beyond 2F. Real, inverted, enlarged. Okay? And the image form by objective lens behave as a object for eyepiece. And we adjust the eyepiece so that it lying in between its focus and optical center. Final image form same side of the object, erect, virtual, enlarged with respect to the object. क्योंकि object खुद में inverted है इसलिए inverted बन गई. At the distance of distinct vision. और हमें देखना यहां से होता है.
और जब देखते हैं तो हमें ये इरेक्ट दिखती है, क्योंकि हम लोग इधर से देख रहे हो, जब इधर से देखोगे तो आपको ये सीधी दिखेगी। इसे कहते हैं अपसाइड डाउन, दैट इज नोन एज अपसाइड डाउन, इसको अपसाइड डाउन बोला करते हैं। तो अपसाइड डाउन आपको ये सीधी दिखेगी उधर से जब देखेंगे। और आपको पता है माइक्रोस्कोप में जहाँ फाइनल इमेज बनती है ऑब्जेक्ट वहीं शिफ्ट हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ ना होके, जो ए बी ऑब्जेक्ट आप लेके चल रहे हो वो अब यहाँ ना होके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। ये एंगल अल्फा हो गया एंड इज बीटा। सो इज द रे डायग्राम, दोबारा देख लो, इज द ऑब्जेक्टिव लेंस, इज द आई लेंस। वी एडजस्ट द ऑब्जेक्टिव लेंस सो दैट द ऑब्जेक्ट लाइंग इन बिटवीन एफ एंड टू एफ, इमेज फ्रॉम बियॉन्ड टू एफ, रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज, इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस बिहेव एज ए ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, एंड वी एडजस्ट द आई पीस सो दैट इट लाइंग इन बिटवीन इट्स फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। सो इमेज फॉर्म एट डिस्टेंस बी, एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, इरेक्ट वर्चुअल एंड लार्ज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। चूंकि हम लोग अपसाइड डाउन देखा करते हैं इसको, यहां से देखेंगे इसलिए आपको ये इमेज इरेक्ट दिखेगी अपसाइड डाउन। और जहां फाइनल इमेज बनती है ऑब्जेक्ट वहीं शिफ्ट कर जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट अब यहां आ गया और ये एंगल अल्फा हो गया और ये बीटा। अगेन वी वांट टू कैलकुलेट एंगुलर मैग्निफिकेशन। इट इज बीटा अपॉन अल्फा, ठीक। और m इक्वल्स टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। तो 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यूज निकालने हैं हम लोग। फॉर 10 बीटा वी टेक अ ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश सी ई। तो यहां से 10 बीटा मिलेगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन बी डबल डैश सी ई। और अब ट्रायंगल लेके चल रहे हैं हम लोग ए बी डबल डैश सी ई। यहां से 10 अल्फा मिलेगा ए बी डबल डैश अपॉन बी डबल डैश सी ई। और ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो m इक्वल्स टू 10 बीटा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन बी डबल डैश सी ई अपॉन ए बी डबल डैश बी डबल डैश सी ई। और हमें मिलेगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी डबल डैश, ओके। अब इसको हम ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ए डैश बी डैश से डिवाइड कर रहे हैं। इस तरह इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से फिर एम क्या मिलेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश इनटू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी डबल डैश। रीएडजस्ट कर दिया। अब जरा देखो ए डबल डैश बी डबल डैश इज द इमेज ऑफ आई पीस एंड ए डैश बी डैश इज द ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। और आपको पता है रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज मैग्निफिकेशन। ये एम ई हो गया, इसको चाहो यहां लिख दे रहे हैं हम लोग, ये एम ई हो गया। ए डैश बी डैश इज द इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ए बी इज द ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ये इमेज हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया।
किसके लिए? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो ये हो जाएगा MO। पहला फॉर्मूला मिल गया आपको मैग्निफिकेशन का, M इक्वल टू MO इंटू MA। और इसीलिए आप देखोगे मैग्निफिकेशन बढ़ती चली जाती है, जितने ज्यादा लेंस होंगे उतना ही मल्टीप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में आपने पढ़ा है, अगर इफ वी एड नंबर ऑफ लेंसेज, ग्रुपिंग ऑफ लेंसेज, तो फोकल लेंथ क्या होती थी? 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 एंड सो ऑन। पावर क्या होती थी? p इक्वल टू p1 प्लस p2 एंड सो ऑन। मैग्निफिकेशन क्या होती थी? m इक्वल टू m1 इंटू m2 एंड सो ऑन। वो चीज़ यहाँ आ गई, क्लियर? तो एक फॉर्मूला बन गया। एग्जाम आप इतना भी करेंगे तब भी नंबर मिल जाया करते हैं। अगर हम इतने पार्ट की बात करें, दिस पार्ट जस्ट लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप, ये पार्ट एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है, जस्ट लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप। और कैसे? ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इमेज कहां बन रही है? एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। और यही प्रिंसिपल किसका था? सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो आईपीस यहां पर एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रही है। इसका मतलब हम लोग ME को लिख सकते हैं 1 plus d over FE। तो एक फॉर्मूला और मिल जाएगा आपको, M इक्वल्स टू MO 1 plus d over FE। एक और फॉर्मूला मिल गया आपको, अगर VO और UO गिवन है तो एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, एक फॉर्मूला और मिल गया, VO अपॉन UO 1 plus d over FE। एक और फॉर्मूला पॉसिबल है, इट इज अंडर द कंडीशंस, कंडीशंस के अंडर आता है वो। ये लेंथ ऑफ द ट्यूब कहलाती है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस, दैट इज नोन एज लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो ये लेंथ ऑफ द ट्यूब कहलाएगी। नाउ इफ ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू द फोकस, ये ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज हो जाए फोकस के और इमेज बहुत क्लोज हो जाए आईपीस के, इफ ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू द फोकस एंड एन इमेज वेरी क्लोज टू द आईपीस, इन दैट केस जो VO होगा वो FO बन जाएगा, क्लोज टू FO, और VE होगा इट इज क्लोज टू L, लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो एक फॉर्मूला और मिल जाएगा आपको, दैट इज M इक्वल्स टू L अपॉन FO 1 plus d over FE। ठीक, एक और फॉर्मूला पॉसिबल है, और ये तब है जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रही हो, तो बन जाएगा L अपॉन FO d over FE। तो इतने फॉर्मूले पॉसिबल हैं। ये इतने फॉर्मूले इसलिए बताए गए हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताए गए ये फॉर्मूले। न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होना है ये स्टेटमेंट बताएगा, कुछ यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, कुछ यहाँ जाके सॉल्व होंगे, कुछ यहाँ से सॉल्व होंगे। तो इतने फॉर्मूले इसलिए बताए गए हैं जिससे कि आप न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकें, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स अक्सर आते हैं, ठीक है। और 2020 में भी एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर आया हुआ है। जो हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स हम लोग अगली वीडियो में यूज़ करेंगे, माइक्रोस्कोप को बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। 5-6 न्यूमेरिकल इकट्ठे कराने हैं, तो इसलिए एक अलग से वीडियो बना देंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सिंपल माइक्रोस्कोप। क्लियर?